नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में अब कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है। अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि देश में वैक्सीनेशन कब से शुरू होगा, लेकिन बड़े स्तर पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना भी तैयार हो चुकी है। सूत्रों की माने तो वायुसेना देश के हर हिस्से में कोरोना वैक्सीन बांटने के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद लेगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक IAF या फिर सेनाओं से वैक्सीन के बांटने और इसकी डिलीवरी से जुड़ा कोई औपचारिक या आधिकारिक रिक्वेस्ट नहीं की गई है। इसके बावजूद इस बात में कोई शक नहीं है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में IAF की इस्तेमाल आने वाले दिनों में किया जा रहा है। IAF सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि अभी तक IAF के पास कोरोना वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद का कोई भी ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन हमारे अजय ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का बेड़ा पूरी तरह से तैयार है और हम किसी भी शॉर्ट नोटिस पर एक्शन में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। माना जा रहा है कि सेनाओं ने इसकी योजना तैयार कर ली है कि अगर सरकार की तरफ से वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने का अनुरोध किया जाएगा तो फिर उन्हें किस तरह से काम करना है। सेनाएं मान रही हैं कि प्राथमिक तौर पर वैक्सीन की 28,000 यूनिट को कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट करना पड़ सकता है और सेनाओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि हर डोज अपनी प्रभावशीलता को गवाए बिना हर निर्जन इलाके तक पहुंच जाए। वैक्सीन को स्पेशल बॉक्सेस में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और किसी भी एयरक्राफ्ट को इन्हें ले जाने के लिए फिर से रिकन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।